नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। अपन जो फोटोशॉप का सेशन चल रहा था उसमें टूल था अपना पिछला क्रॉप वाला, अब है नेक्स्ट वाला अपना फ्रेम, जिसका है कीबोर्ड शॉर्टकट के। तो कैसे आपका फ्रेम वाला एक्टिवेट होता है और वी से आपका सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल तो आपको याद करना है कन्फर्म ही कि वी से सिलेक्शन टूल आता है, बहुत काम की चीज़ है। तो फ्रेम वाला समझने के लिए अपने को दो फोटो खोलनी है, डबल क्लिक करेंगे फोटो के फोटोशॉप में अपने, और ये दो फोटो अपन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब फ्रेम टूल लेंगे अपन। तो पहले मूव टूल दिखा देता हूँ मैं एक बार, वो मूव टूल करेंगे तो ये आपका फोटो पूरी फोटो पे जा रहा है। डिलीट कर दीजिए ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ठीक है। अब लेना है फ्रेम वाला ऑप्शन, क्लिक करना है। ये आपका फोटो चाहिए आपको, एक अपने को एक ही फ्रेम चाहिए, तो पहले एक फ्रेम पे काम कर लेते हैं। तो फ्रेम बनाकर वी सिलेक्शन टूल काम में लेना है आपको, इसका शॉर्टकट वी है। नहीं तो फ्रेम वाला आप ऑन रखोगे तो फिर जैसे साइड में क्लिक करोगे तो एक फ्रेम और तैयार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले एक ही फ्रेम पे काम करें अपन, वी टूल लो जो कि सिलेक्शन टूल है, और अपना कहाँ पर फोटो सेट करना है वहाँ पर ले लीजिए फ्रेम। ये फ्रेम ले लिया मैंने, अब फोटो को उठाकर इस पे छोड़ दीजिए। फोटो इसके अंदर जाने के लिए अपने को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हल्का सा, और के दबाया, फ्रेम लिया, भी दबाया, फोटो छोड़ा इसके अंदर, फोटो आ गया। फोटो छोटा कर लीजिए इसके हिसाब से, अपने को फोटो इतना ही चाहिए। ओके, एंटर मार दिया। फिर अपने को जो अपने फ्रेम लिया था उस पर कैसे जाएंगे, उस पर जाएंगे क्लिक करके, उसको छोटा कर लेंगे। पीछे अपना फोटो का फ्रेम आ रहा है और अंदर ये फोटो का, डबल क्लिक कर दीजिए, दोनों गायब, ओनली फ्रेम को मूव कर दीजिए। आपको लग रहा है कि फ्रेम को और साइड में छोटा करना पड़ेगा, डबल क्लिक करिए, फ्रेम पे क्लिक करिए, और ये आपका फोटो, ये आपका फोटो इतना सा आपको रखना है तो उतना रख लीजिए। इस तरह से आपका फोटो इसमें सेव हो जाएगा, और ये एल्बम डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली टूल है। धन्यवाद दोस्तों, टूल के शॉर्टकट याद रखें के।